सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? दिसंबर में सरकार बनेगी, 1 मार्च से आपको अपना बिजली का बिल देने की जरूरत नहीं है। आपका भाई आपका बिजली का बिल भरेगा, मैं आपका बिजली का बिल भरूंगा। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, 0 बिजली का बिल आता है। पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है, 0 बिजली का बिल आता है। 1 मार्च के बाद गुजरात में भी 24 घंटे बिजली आएगी, 0 बिजली का बिल आएगा। आपको बिजली का बिल भरने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चों के लिए शानदार स्कूल बनवाऊंगा, दिल्ली में बनवाए हैं, इतने अच्छे स्कूल बनाए हैं, इतने अच्छे, उसमें सब कुछ फ्री है, उसमें किताबें भी फ्री, ट्यूशन भी फ्री, यूनिफॉर्म भी फ्री, सब कुछ फ्री है। उन स्कूलों में अमीरों के और गरीबों के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। रिक्शे वाले का बच्चा इंजीनियर बनता है, मजदूर का बच्चा डॉक्टर बनता है। गुजरात में भी शानदार स्कूल बनाऊंगा, आपके बच्चों का अच्छा भविष्य बनाऊंगा। दिल्ली में हमने शानदार अस्पताल बना दिए, बहुत अच्छे, बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, गरीब हो उसका भी अमीर हो उसका भी। 5 रुपए की गोली हो वो भी फ्री, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन हो वो भी फ्री। गुजरात में भी पूरे गुजरात के लिए मैंने प्लान बनाया है, पूरे गुजरात में खूब सारे अस्पताल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे और आपके परिवार के सब लोगों का सारा इलाज मुफ्त होगा, आपको पैसे की चिंता। आपके बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा, मैंने दिल्ली में 12 लाख बच्चों को रोजगार दिलाए हैं 5 साल में, 12 लाख बच्चों को मुझे रोजगार दिलाना आता है। आपके बच्चों को रोजगार का इंतजाम करेंगे और जब तक रोजगार नहीं मिलता, हर महीने हर बेरोजगार को 3-3 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता मिले, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब आप लोगों से एक विनती करने आया हूं, आपने 27 साल भाजपा को दे दिए, 5 साल मांगने आया हूं, बता 5 साल दे दो, काम नहीं पसंद आए अगली बार वोट मांगने नहीं आऊंगा, काम नहीं करूं अगली बार वोट मांगने नहीं आऊंगा। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को गुंडागर्दी करनी नहीं आती, मेरे को गालियां देनी नहीं आती, पढ़ा लिखा आदमी हूं, काम करना आता है, स्कूल बनाने आते हैं, अस्पताल बनाने आते हैं, दिल्ली में भी बना दिए, पंजाब में भी बना रहा हूं, आप मौका दोगे गुजरात में भी बना। और मैं झूठे वादे नहीं करता, मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि मैं आपको 15 लाख रुपए दूंगा, मैं 15 लाख रुपए नहीं दूंगा, झूठ नहीं करता। मैं जो काम दिल्ली में करके आया हूं, जो काम मैंने करके दिखाया है, वही काम की बात कर रहा हूं। और मैं ईमानदार आदमी हूं, भ्रष्टाचार नहीं करता। अभी जो कुछ मोदी ने हुआ वो बड़ा गुस्सा है। हां जी, ये बात है, 150 लोग जो मरे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, कल को वो आपके भी मैं वो हादसा हुआ, मारे वार दुख की बात नहीं है, ज्यादा दुख की बात ये है कि जिन लोगों की वजह से हुआ उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। जो FIR दर्ज हुई है उसमें उस कंपनी का नाम नहीं है, जो FIR दर्ज हुई है उस कंपनी के मालिक का नाम नहीं है जिसने मोदी मायो तो क्यों क्यों बता रहे हैं आपको? उनके साथ क्या रिश्ता है लोगों का? कुछ ना कुछ तो रिश्ता है लोगों का। इस बार सारे जने इकट्ठे हो जाओ, जहां जा रहे हो बदलाव की आंधी चल रही है, जिससे पूछो कह रहे बदलाव 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 बदलाव। इस बार डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए, नए इंजन की सरकार चाहिए। नए इंजन लेके आओ, डबल इंजन को जंग लग गया, पुराना हो गया डबल इंजन, बर्बाद हो गया। डबल इंजन लेके आओगे मॉर्गेज ब्रिज टूट जाएगा।
नया इंजन लेके आओगे शानदार मोर देखने को मिलेगा। हमारे कैंडिडेट यहाँ से विक्रम भाई और झाड़ू, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा इतना बटन दबाना कि बटन काम करना पड़ता है।